चुनाव चिन्ह छाता सबके काम में आता, वाह क्या बात है। अरे भैया ये वार्ड नंबर 23 बिश्नीपुर के आप सभासद पद के प्रत्याशी हैं, दुकान चला रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे जनता के बीच जा रहे हैं? क्यों नहीं, जनता के बीच हमेशा जा रहे हैं, सुबह शाम जा रहे हैं भाई, वक्त निकाल कर अपना काम भी कर रहे हैं। लड़का नहीं है, खाना खाने गया है, नाश्ता करने जाता है तो बैठ जाते हैं, बकिया टाइम अपना एथी करते हैं। मतलब वोट मांगने जाते हैं? जी जी जी, हर वक्त जाते हैं। कहाँ का चुनाव लड़ गए? हाँ, क्यों चुनाव लड़े? इसलिए शौक था, पिछली जात का हुआ तो हमने कहा लड़ लें। हाँ, क्या चाहते हैं? विकास? जी विकास मिलेगा तो जरूर विकास कराएंगे। वाह वेरी गुड वेरी गुड। देखिए इनके समर्थन में लोग भी खड़े हैं, सबकी इच्छा है। वैसे भी पहले दुकान परिवार जो समय बचे वो राजनीति। क्या हाल चाल है भैया आपसे भी, क्या नाम है आपका? मुर्शिद राजा। मुर्शिद राजा, आपके प्रत्याशी का नाम क्या है? मेरा प्रत्याशी का नाम परवेज आलम। परवेज आलम, ये छाता वाता लगा के कहाँ घूम रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। कहाँ कहाँ घूमे आप? यही ये सब बिश्नीपुर मोहल्ला। बिश्नीपुर मोहल्ला में, तो बिश्नीपुर वार्ड नंबर 23 नगर पालिका परिषद बिश्नीपुर वार्ड नंबर 23 के निर्दल उम्मीदवार परवेज आलम चुनाव चिन्ह छाता। बहुत अच्छा इनका प्रचार प्रसार चल रहा है, कम खर्चा में पब्लिक के बीच, मतदाताओं के बीच पहुंचना है और अपना संदेश देना है। चुनाव बिश्नीपुर में वार्ड नंबर 23 का आप देख रहे हैं कि एक उम्मीदवार कपड़े की सिलाई करके परिवार चलाता हो और जो समय बचता हो मतदाताओं के बीच देता हो और ये निवेदन करता हो कि भाई एक मौका हमें भी मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को भी जनता को मौका देना चाहिए, जिनका ये है कि पहले पेट पूजा इसके बाद विकास। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।